हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके स्मार्ट ऑटो एडवाइस के नए वीडियो के अंदर। तो आज हम आपको लेकर गए मुमताज़ ऑटोमोबाइल कार बाज़ार पे, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के नए स्टॉकों की, आपको यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है और क्या गाड़ियों की डिटेल रहने वाली है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। वीडियो चल गए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात कर ले इस स्कॉर्पियो से। इस स्कॉर्पियो के बारे में बात करें तो आप इस स्कॉर्पियो की कंडीशन देख सकते हो। ये 2014 का मॉडल है, जो कि आप एक बार पूरी गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए कि गाड़ी हमें किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आप इसे एक बार इस गाड़ी कंडीशन देख सकते हो, आपको प्योर न्यू कंडीशन के अंदर गाड़ी देखने को मिल रही है। गाड़ी के डिटेल के बारे में बात करें तो ये 2014 का मॉडल है और आज तक चली हुई के बारे में बात करें तो ये गाड़ी 1,52,000 किलोमीटर चल रही है कंपनी रिकॉर्ड के साथ। और गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये गाड़ी देखने को मिलेगी आपको 6.5 लाख रुपए के अंदर, जो कि आप देख सकते हो इस गाड़ी की कंडीशन आपको देखने मिल रही है। एक बार आप इस गाड़ी के इंटीरियर को भी देख लीजिए कि गाड़ी का इंटीरियर आपको किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलने वाला है। इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर भी आपको गाड़ी का न्यू कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आप इंटीरियर से देख सकते हो कि गाड़ी हमें किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं कि अगली गाड़ी हमारी कौन सी रहने वाली है और अगली गाड़ी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा 2019 मॉडल, 19,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है और न्यू शेप के साथ ये ZDI प्लस मॉडल आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, जो कि आप इसकी फ्रंट कंडीशन देख सकते हो कि गाड़ी प्योर न्यू कंडीशन में देखने को मिल रही है न्यू शेप के साथ। और ये गाड़ी आपको डीजल इंजन के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। गाड़ी की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, एक बार आप पूरी गाड़ी को देख लीजिए गाड़ी की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ये गाड़ी आपको प्योर न्यू कंडीशन के अंदर देखने को मिल रही है, 2019 मॉडल और 19,000 किलोमीटर चल रखी है, DDS इंजन के साथ है। और गाड़ी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, ये देखने को मिली है आपको 11,30,000 रुपये के अंदर। तो चलिए अब अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, अगली गाड़ी हमारी कौन सी रहने वाली है और क्या कंडीशन अगली गाड़ी की रहने वाली है। तो चलिए अब i10 के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी के बारे में बात करें, ये 2008 का मॉडल देखने को मिल जाएगा और ये गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली मात्र आपको 1,80,000 रुपये के अंदर ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के भी आप इंटीरियर को देख सकते हो, गाड़ी का इंटीरियर आपको किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो आप इस गाड़ी को पूरी को देख लीजिए कि गाड़ी की इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है और आप इस साइड से देख लीजिए गाड़ी किस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, अगली गाड़ी हमारी कौन सी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में। इस गाड़ी को भी आप देख सकते हो, ये भी गाड़ी आपको न्यू कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि आप फ्रंट से देख लीजिए। और इसके अलावा इस गाड़ी के भी आप टायर देख सकते हो, गाड़ी के अंदर आपको न्यू टायर देखने को मिल रहे हैं। और गाड़ी के मॉडल के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 2016 का मॉडल। और डिमांड के बारे में बात करें तो ये 6 लाख रुपए के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाड़ी आज तक 90,000 किलोमीटर चल रखी है। के बारे में बात कर लेते हैं, इस गाड़ी को भी आप देख सकते हो, ये भी आपको प्योर न्यू कंडीशन के अंदर देखने को मिल रही है। साइड प्रोफाइल से एक बार देख लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल किस कंडीशन के अंदर रहने वाली है। टायर के बारे में बात करें तो आप टायर को भी देख सकते हो, गाड़ी के अंदर आपको ब्रांड न्यू टायर देखने को मिल रहे, जो कि आप देख सकते हो। तो एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाइल को देख लेते हैं कि गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपको किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो रियर तक आप पूरी गाड़ी कंडीशन देख सकते हो। इस गाड़ी के बारे में बात करें तो ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी 2017 का मॉडल। आज तक चली हुई के बारे में बात करें तो ये गाड़ी चल रही 70,000 किलोमीटर। और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये देखने को मिलेगी आपको 2,60,000 रुपये के अंदर, 2017 मॉडल ओमनी वैन। तो चलिए अब अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, एक बार आप इस गाड़ी को देख सकते हो किस कंडीशन के अंदर आपको ये गाड़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब मारुति सुजुकी वेगनार के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाड़ी आपको 2016 का मॉडल देखने को मिलेगी, जिसकी कंडीशन आप देख सकते हो कि ये भी गाड़ी आपको प्योर न्यू कंडीशन के अंदर देखने को मिल रही है। साइड प्रोफाइल से देख लीजिए। तो इस गाड़ी के बारे में बात करें तो ये 2016 का मॉडल है। और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये गाड़ी देखने को मिलेगी आपको 3.5 लाख रुपये के अंदर, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो गाड़ी क्या कंडीशन रहने वाली है। एक बार इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो ये आपको ऑटोमेटिक वेरियंट के साथ देखने को मिल रही है, जो कि आप इंटीरियर के अंदर देख सकते हो कि आपको ये VXI प्लस वेरियंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल रही है। एक बार इस गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर को देख लीजिए कि आपको गाड़ी का इंटीरियर किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो आप इसके इंटीरियर को देख सकते हो कि आपको किस कंडीशन के अंदर गाड़ी का इंटीरियर देखने को मिल रहा है। ये है महिंद्रा बुलेरो पावर प्लस। तो इस गाड़ी के बारे में बात करें तो आप इस गाड़ी को देख लीजिए कि इस गाड़ी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो एक बार आप इस गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देख लीजिए। तो इस गाड़ी के बारे में बात करें तो ये आपको ZLX मॉडल देखने को मिलेगा पावर प्लस M-Hawk इंजन के साथ। इस गाड़ी के अंदर आप साइड ग्राफिक्स भी
देख सकते हो। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाएगी। और टायरों के बारे में बात करें, टायर भी आपको 50% कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब एक बार ड्राइवर साइड से गाड़ी को देखते हैं कि ड्राइवर साइड से गाड़ी किस कंडीशन के अंदर रहने वाली है। तो गाड़ी की डिटेल वगैरह के बारे में बात करें तो ये गाड़ी देखने को मिलेगी आपको 2017 मॉडल। और गाड़ी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 7.5 लाख रुपये के अंदर ये गाड़ी देखने को मिलेगी। तो एक बार आप ड्राइवर साइड से देखिए। और गाड़ी के बारे में बात करें तो आज तक गाड़ी कितनी चल रही है, तो 84,000 किलोमीटर गाड़ी चल रखी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो 100% ओरिजिनल कंडीशन के अंदर ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना। इसी प्रकार की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा इन गाड़ियों की आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप भैया से सीधे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।